Hello and welcome friends. Today we are going to learn how to multiply two decimal numbers in Access. So let's start this video. MS Access में दो decimal number को यानी दशमलव वाले numbers को हम कैसे multiply करा सकते हैं, इस video में यही हम सीखेंगे. Blank database पे click कीजिए, create पे click कीजिए और यहाँ पर इस तरह का interface देखने को मिलेगा आपको. आप जाइए view tab पे और design view पे click कीजिए. मैं यहाँ लिख देता हूँ multiply, ठीक है. इंटरफेस करता हूँ, यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको. मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर वन, नम वन लिख दिया हमने, ठीक है. और यहाँ लिखूँगा नम टू, ठीक है, नम टू. और अगर आप और भी नंबर्स को एंटर कराना चाहें तो यहाँ से करा सकते हैं. जैसे यहाँ पे कर देंगे हम नम थ्री, ठीक है, नम फोर भी कर सकते हैं. चलिए कर ही लेते हैं, नम फोर लिखते हैं यहाँ पर. तो इन चारों को एक साथ हमें मल्टीप्लाई कराना है. कैसे करेंगे? और यहाँ पर हमको रिजल्ट चाहिए, इसका जो मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे हमें चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको पहले हम नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे. नंबर 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 और एट लास्ट ये भी नंबर कर देंगे, ठीक है. अब यहाँ पे एक एक को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे रखा हमने, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये नंबर है, ठीक है. यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर के इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में. यहाँ देखिए डेसिमल आ रहा होगा, ये नीचे डेसिमल जो आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप. इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केल दिख रहा है, स्केल को आप कर दीजिए थ्री, ठीक है, या फोर या टू भी कर सकते हैं हम. मैं इसको थ्री कर देता हूँ. यहाँ पर भी आइए, इंटीजर को, लॉन्ग इंटीजर को बनाइए डेसिमल और यहाँ पर कर दीजिए थ्री, स्केल थ्री रखिए आप, ठीक है. यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉन्ग इंटीजर को बनाएंगे डेसिमल और स्केल रखेंगे थ्री, या टू भी रख सकते हैं या थ्री भी रख सकते हैं, मैं थ्री कर देता हूँ, ठीक है. फिर यहाँ पर भी आइए और लॉन्ग इंटीजर को बनाइए डेसिमल. सारे डेसिमल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो डेसिमल ना हो, यानी दशमलव वाला ना हो. ये सबको हमने कर दिया और एट लास्ट रिजल्ट जहाँ आएगा वो भी तो डेसिमल में ही आएगा. तो यहाँ पर भी हम डेसिमल सेलेक्ट करके और स्केल को थ्री कर देते हैं, ठीक है. इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद हमें व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, डेटा शीट व्यू पे. तो डेटा शीट व्यू हमारा ऐसा इंटरफेस दिखाएगा. अब हमें क्या करना है, वापस जाना है क्रिएट पर, क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ पे देखिए क्वेरी डिज़ाइन में जो मल्टीप्लाई है इसको ऐड करा दीजिए. ऐड कराने के बाद एक एक को यहाँ से सेलेक्ट करता जाऊँगा मैं, ठीक है. अब यहाँ रिजल्ट पे आएंगे हम और रिजल्ट पे आके लगाएंगे यहाँ पे कोलन, ठीक है, कोलन लगा दिया हमने. कोलन लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है. स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया हमने और यहाँ पे जो हमने लिखा था, जैसे लिखा था नम वन, यहाँ लिख दिया नम वन, बंद कीजिए, इन टू यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाइए. एट नंबर अल्फाबेटिक बटन पर आपको मिल जाएगा नम टू, ठीक है, यहाँ पर रखिए नम टू, इन टू का साइन लगाइए. अब नम थ्री, नम थ्री, तो ये नम थ्री हो गया और नम फोर लास्ट में करेंगे नम फोर, तो यहाँ नम फोर भी लिख देते हैं हम नम फोर, ठीक है, बंद करेंगे इसको और यहाँ से क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे. तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका होगा. अब हमें सिंपली क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर्स लेने हैं वो पॉइंट्स में लेने हैं. जैसे 6.5 कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर आएंगे 7.66 कर दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे 8.777, थ्री टाइम मैंने 777 किया है. आप देख सकते हैं मैंने वहाँ थ्री लिया था स्केल में, तो इसको स्केल का लेने का मतलब यही है. आप वन पॉइंट तक भी ले सकते हैं, टू पॉइंट्स तक भी ले सकते हैं और थ्री पॉइंट्स तक ले सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ 5.6 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन होकर आ गया है. आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होकर आ रहा है. तो अब देखिए, अब जब हमें दूसरा करना है तो यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है, सिर्फ हम पॉइंट में लेंगे, ठीक है. अगर नहीं भी आप पॉइंट में लेते हैं तो पॉइंट भी अपने आप ले लेगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लिकेशन जो है पॉइंट में होके आया है. आइए चलिए एक बार हम होल नंबर लिख के देखते हैं क्या होता है. तो यहाँ देखिए होल नंबर को भी ये मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यानी कि अगर आपको डेसिमल कराना है, ठीक है, 4 टू 8, 8 टू 16 और 16 टू 32, तो यहाँ पे 32 आ चुका है. आप देख सकते हैं कितना आसान है ये.
आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपको डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई करवानी है या मल्टीप्लाई करना है तो आपको काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।